हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ एक कढ़ी। ये देखिए, वो प्याज, तीन मैंने प्याज काटा है, एक टमाटो है और थोड़ा सा आलू मैंने डाली, अच्छा लगता है उसमें। ये देखिए, लहसुन, जीरा, मिर्च, मरचा और ये तेज़पत्ता देखिए, और ये है। और इसको मैंने पेस्ट बनाया है, इसमें मरचा, लहसुन, जीरा, मिर्च को मैंने पेस्ट बना के कूट के मैं रख देती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं मिक्सर में नहीं पीसती उसको। और ये देखिए, एक है इधर, एक है, एक की मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ आज। अब मैं इसको जा रही हूँ फ्राई करने, कैसे ऐसे होल करके ताकि ऐसे फटे ना और छटके ना, ऐसे ऐसे करके। देखिए फ्रेंड्स, हो गया ये। अब मैं ऐसे आ रही हूँ, हो गया ताकि छटके ना, और मसाला भी अच्छा से भीग जाता है इसमें। इसमें तेल डाल दे रहे हैं, तेल डाल के फ्राई करूँगी। फ्राई करने जा रही हूँ, देखिए फ्राई करने में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। मेरे पास चिली पाउडर नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं डाली हूँ, हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। ये भून जाएगा, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, दिख रहे ना, देखिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। मुझे जैसे आता है बनाने में वैसे ही बनाती हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा आलू भी फ्राई कर लूँ चार, इसमें फ्राई करने से थोड़ा अच्छा लगता है। एक ही सब्जी में थोड़ा सा दो तीन आलू डाल के बनाऊँगी, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा फ्राई हो गया है, बस ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, वो तो उसमें गल जाता है मसाला भूनने का। ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, देखिए थोड़ा सा मैं तेल डाल देती हूँ इसमें, देखिए बस ज़्यादा नहीं। देखिए ये दो तेज पत्ता हो गया, ये देखिए मैंने सब डाल दिया, ओनियन डाल दिया, थोड़ा सा प्याज मैं भून लूँगी, उसके बाद मैं मसाला डालूँगी। प्याज का भून गया है, मैं इसमें मसाला डालूंगी। देखिए मसाला मैं डालती हूँ, ये देखिए आधा चम्मच देखिए धनिया पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा
गरम मसाला, ये देखिए मीट मसाला है, चिकन मसाला है, ये देखिए कश्मीरी कश्मीरी मिर्च, और ये देखिए जो मैंने कूटा हुआ था इसमें मरचा लहसुन जीरा मरीच मैंने कूट के इसको तो देखिए डाल दिए, देख लीजिए तो कच्चे से अलग बढ़ जाता है ये सब डालने से। थोड़ा सा पानी डाल दें, मसाला भून जाए। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ, एक टमाटर मैंने कस के रख दिया था, देख लीजिए। इसको डालने के बाद एक स्पून नमक, एक स्पून मैं नमक डालती हूँ इसमें, देख लीजिए। अब इसका सब पक जाएगा, जब ये अच्छा हो जाएगा मसाला बना जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ, देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढक दिया था, ये देखिए इसमें तेल छोड़ दिया है, देख रहे हैं, देखिए देखिए कितना अच्छा बना है इसमें, देखिए सब गल गया अच्छा से, देखिए तेल छोड़ दिया पूरा अच्छा से। इसमें आलू डाल देती हूँ, ये देखिए मैं ये डाल देती हूँ, देखिए 4-5 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। अच्छा से अगर झटपट बनाएंगे तो 15 मिनट में बन जाएगा, थोड़ा आराम से बनाएंगे तो 20 मिनट लगेगा। अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, देखिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ, मैं इसको 5-10 मिनट के लिए ढक देती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब देखिए इसको मैं अब 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ, उसके बाद 10 मिनट के बाद हो जाएगा अपना ये, देखिए ढक देती हूँ, देखिए फिर 10 मिनट हो गया मेरा, ये देखिए देखिए बन के रेडी हो गया, देखिए हो गया। और ये देखिए आलू भी, ये देखिए गल गया आलू भी मेरा हो गया। अब मैं इसमें गैस ऑफ करती हूँ, अरे देखिए धनिया पत्ती, इसमें मैं धनिया पत्ती डालती हूँ, देखिए फ्रेंड्स हो गया, देखिए बन के। अब मेरा देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए मैंने बनाया इसको, ये देखिए ये देखिए, आप लोग थोड़ा कमेंट भी करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पे ला दिया, देख लिए ये, और इसके बाद क्या बोलते हैं इसको पराठा या चावल के साथ खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप लोग बना के देखिए ना मेरे तरीके से, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़।